हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। हम हैं नैनीताल। तो आज हम करने वाले हैं नैनीताल एक्सप्लोर। अभी हमने गाड़ी बुक कर ली है, हम जाने वाले हैं 7-8 पॉइंट तो आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल हम खड़े हैं नैनी झील पे। एक बार नैनी झील का व्यू दिखा, एक बार मतलब क्या ही बताऊँ, यहाँ से हटने का ही नहीं मन करता है। दिल नहीं चाह रहा है कि यहाँ से हम हट के जाएँ, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिलहाल अभी हम निकलते हैं तो आपको दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम दिखाएंगे बहुत ही अच्छी अच्छी जगह आपको पूरे नैनीताल का, जहाँ जहाँ आपको जाना चाहिए। तो मिलते हैं आगे। तो मित्रों, हमारी यात्रा शुरू होती है लखनऊ जंक्शन से, जहाँ से हमें काठगोदाम के लिए 2 ट्रेनें मिलती हैं, बाग एक्सप्रेस और काठगोदाम एक्सप्रेस। और ये रहे ट्रेन के नाम और नंबर, आप यहाँ से इजीली बुक कर। इन दोनों ट्रेनों की मदद से हम काठगोदाम तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं काठगोदाम की यात्रा और आगे मिलते हैं आप। तो मित्रों, इनका गीत सुन के हमें काफ़ी मज़ा आया और आप लोग भी शायद मज़ा ही किए होंगे। और इसके बाद हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है काठगोदाम। तो आइए मिलते हैं आगे। तो मित्रों, हम काठगोदाम पहुंच के सबसे पहले करते हैं कार बुक। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, आप जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना फ़ायदा होगा आपका। तो हम 5 लोग हैं, हमने कार बुक करी है और हमें कार बुक मिल गई है 800 रुपये में। तो हम 800 रुपये में 5 लोग पहुँच रहे हैं नैनीताल। और एक एडवेंचर ये भी है कि आप काठगोदाम से नैनीताल जब जाते हैं तो आपको पहाड़ों का नज़ारा और वहाँ के गोल चक्कर, क्या ही बताऊँ, मज़ा आ जाएगा। तो फाइनली मित्रों, हम लोग नैनीताल आ गए और रूम ले लिया है। ये रहा रूम के सामने का व्यू। तो आइए अब करवाते हैं रूम का टूर, हमारा रूम कैसा है। और ये रहा बेडरूम, बेडरूम एरिया हो गया। और इधर हॉल एरिया है। हॉल के बाहर कभी दिखाते हैं हम भी आपको, ये रहा। तो अभी चल रहे हैं हम लोग फ्रेश होने, फ्रेश हो जाएं, देन फिर देखते हैं आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, फिर मिलते हैं। तो मित्रों, हम हैं नहा धो के तैयार, हमारी गैंग भी है तैयार। एक बार फिर से हम आपको सामने का व्यू दिखा दे रहे हैं, ये देखिए। और अभी हम निकल रहे हैं नीचे की ओर, चलते हैं नीचे फिर देखते हैं। ये देखिए, गैंग हमारी तैयार है। अब हम चलते हैं नीचे फिर देखते हैं नीचे का नज़ारा। तो दोस्तों, जब भी कौन सी झील है ये, 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 नैनीताल झील ना, नैनी झील। तो दोस्तों, यहाँ जब भी आइए मैडम के पास भुट्टे खाइए, बहुत ही रेखा जी है, रेखा मैडम है, बस 20 रुपए में भुट्टे देती है। 20 रुपए में भुट्टे खाइए। अगर आप लोग आएंगे तो बहुत डिस्काउंट दे देंगे आपको, 50 रुपए का मिल जाएगा एक भुट्टा, ठीक है, है ना, ठीक है ना, 50 रुपए में। और ये मेरी कंपनी के लौंडे भुट्टा खा के मतलब क्या ही बताएं, मौज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आ गई हमारी रानी, इसी से हम जाने वाले हैं। और ये रहे रानी के राजा, यही हमको लेके जाने वाले हैं। मैं आगे बैठूंगा भाई, उसके बाद ये हम चढ़ लिए गाड़ी पे। आ जाओ भाई, अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं, जो भी दिखाएंगे आपको। तैयार हो जाइए, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और मौसम बहुत ठंडा है यहाँ का अभी का, बहुत मज़ा आने वाला है भाई साहब। चलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ गए हैं स्नो पॉइंट पे, तो आपको दिखाते हैं स्नो पॉइंट। आइए देखते हैं स्नो पॉइंट। ये रहा स्नो पॉइंट, और स्नो पॉइंट का कुछ ऐसा व्यू, सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। दोस्तों, पहाड़ों में वैसे भी कहा जाता है सबसे ज़्यादा मैगी का मज़ा आता है, और यहाँ पे बहुत ही स्पाइसी मैगी हमने ऑर्डर करी है ना, तो इस मैगी का मज़ा ही अलग है, और प्लस हॉट हॉट कॉफ़ी, क्या ही बताएं।
बस। और ये देखिए हमारी प्यारी आंटी जी स्वीट कॉर्न बना रही हैं यहाँ पे, प्यारा प्यारा। तो मित्रों जब भी आप ऊपर आएंगे तो आपको बहुत कुछ खाने पीने को यहाँ मिल जाएगा, तो चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है एडवेंचर पार्क, तो आ गए हम एडवेंचर पार्क। अब देखते हैं एडवेंचर पार्क में क्या क्या है एडवेंचर। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कार है। ओ भाई ठोक मत देना, ठोक मत देना। ओ भाई 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 बचा लिया, भाई बचा लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम इस एडवेंचर पार्क में क्या क्या एडवेंचर है। ठीक है भाई भाई बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम एडवेंचर पार्क में अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं, और सच बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है। मतलब हाफ स्लीव टी शर्ट में आ गया हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो एडवेंचर पार्क में आपको एक नमूना ये देखने को मिल जाएगा जिससे 360 ऊपर जाके हम माउंटेन का व्यू देख सकते हैं। तो भाई ये आ गए हम हिमालय पॉइंट पे, अब दिखाते हैं हिमालय पॉइंट आपको। ओ भाई कहाँ गया हिमालय, ये तो खूब है। बहुत ज़्यादा बादल और बर्फबारी होने की वजह से आपको हिमालय पॉइंट दिख नहीं पाएगा, तो कोशिश करते हैं। नहीं नहीं दिख सकता भाई। तो ये है हिमालय पॉइंट जो कि एडवेंचर पार्क के ऊपर है ना। तो दोस्तों हमें पहाड़ पे घूमते घूमते एक एडवेंचर पार्क में घूमते घूमते एक पहाड़ी सांड दिखा, देख लीजिए। आप लोगों ने कभी पहाड़ी सांड नहीं देखा होगा, ये जा रहा है देखा है काला करिया सा, यही है पहाड़ी सांड। ए चाचा मारे हो, मारे ना काऊ, अरे बॉल उठ पड़ा। जी भाई साहब कहाँ चल। दोस्तों सच बताऊँ तो मुझे एडवेंचर पार्क कुछ खास नहीं लगा, पर हाँ ठीक ठाक है और मज़े आ सकते हैं। फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं यहाँ पे, पॉइंट काफ़ी अच्छे अच्छे हैं फ़ोटोज़ के लिए, और अब दो तीन एक्टिविटी हैं कर सकते हैं आराम से। तो हम फिलहाल चल रहे हैं अपने तीसरे चौथे व्यू पॉइंट की तरफ, तो मिलते हैं वहाँ। तो स्नो व्यू पॉइंट और माउंटेन व्यू पॉइंट देखने के बाद हम निकल जाते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, तो आइए मिलते हैं आगे। और दोस्तों देखिए ये कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग, लेक व्यू पॉइंट। वहाँ ज़्यादा टाइम हमें एक रास्ता दिखा जो कि बहुत ही ख़तरनाक है भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते। और ये है हमारे फिरोज भाई जो कि बहुत मेहनत के साथ यहाँ गाड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा लेक व्यू पॉइंट, यहाँ से आप लेक का मज़ा ले सकते हैं और ये देख सकते हैं लेक का व्यू। तो मित्रों आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम आगे बताने वाले हैं आपको टोटल खर्च कितना आने वाला है नैनीताल के टूर पे आपका। तो आइए मिलते हैं आगे के नज़ारे को देख। पर मित्रों यहाँ सबसे बढ़िया तो ये है कि आप किसी भी पॉइंट पे जाते हैं आपको खाने पीने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आइए मिलाते हैं एक अंकल जी से। आप इन्हीं लाइनों को करते हैं उल्टा, मत थसा हो बजने पो, यानी दू को खा दी गेंदे, महतमा को ने जी के जदाना लिंकन। तो ये है मित्रों हमारा लेक व्यू पॉइंट जहाँ से आप लेक देख सकते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा नज़ारा जहाँ पे आपको चाय मैगी और बहुत सारी चीज़ें खाने को भी मिल जाती हैं। तो भाई हमारी गाड़ी निकल पड़ी है सूखे ताल की ओर जहाँ पे सिर्फ बरसात के मौसम में पानी होता है, बाकी ऐसे समय में सूखा होता है। तो देखते हैं कैसा है सूखा ताल हमारा, वहाँ का व्यू। तो दोस्तों ये रहा आपका सूखा ताल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी बारिश का मौसम था तो ये अभी भरा हुआ है, अब ये धीरे धीरे सूख जाएगा पूरी तरीके से, सिर्फ बारिशों में भरता है। तो दोस्तों हम अपने एक नए पॉइंट पे पहुंच आए हैं जिसको बोलते हैं लवर्स पॉइंट।
ये लवर पॉइंट है या सुसाइड पॉइंट है ये? अच्छा सुसाइड पर सुसाइड है ये लवर है? सुसाइड वाला ही है? अच्छा ये लवर है, सुसाइड कौन सा है? तो दोस्तों ये रहा लवर पॉइंट, जो कि सुसाइड पॉइंट ज्यादा लगता है, लवर पॉइंट कम लगता है। भैया भाई सुसाइड कर सकते हैं इनको, नहीं ऐसा कुछ सामान बोले यहाँ पे। तो भाई ये लग होने के बाद ही सुसाइड होता है। तो मुझे तो यहाँ का कुछ ऐसा सीन लगा कि ऊपर प्यार करिए और नीचे जाके कूद जाइए, क्योंकि ऊपर लवर पॉइंट है और नीचे सुसाइड पॉइंट, तो दोनों कर सकते हैं प्यार, पहले प्यार और फिर जाके नीचे सुसाइड। तो लवर पॉइंट देखने के बाद ये हम आ गए सुसाइड पॉइंट पे। मैंने कहा कि भाई ये भी देख लेते हैं कैसा है यहाँ का नज़ारा। वाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है लवर से। तो देखिए हमारे साथ ये नज़ारा और आइए यहाँ घूमिए, मज़े करिए, पहले प्यार करिए फिर नीचे आके सुसाइड करिए। नहीं ऐसा कुछ मत करिएगा, बस देख के चले जाइएगा यहाँ से वापस। और सभी को बताना चाहूँगा कि कोशिश करिएगा कि आप सितंबर के बाद किसी भी महीने में आते हैं या सितंबर में ही आते हैं तो भाई प्लीज़ स्वेटर लेके आएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी थी, हम नॉर्मली हाफ स्लीव टी शर्ट में आ गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा। तो प्लीज़ स्वेटर लेके आएँ सितंबर के बाद जो भी आए यहाँ। तो भाई फाइनली हमने ये तो घूम लिया, हमें तो काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा, ठीक ठाक व्यू था और अच्छा था, लोग आते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अपना नया पॉइंट। हमारा पत्ता ट्रैकिंग पॉइंट, जैसे एनसीसी आर्मी के ग्रुप आते हैं ना, हाँ उनको जमा कर रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग वगैरह सिखलाई जाती है एनसीसी वालों को। हाँ जहाँ सीखने के बाद जो हिमालय पर्वत है ना उधर में लोग बड़े तो खम्बे दिख रहे हैं आपको, तो हरे वाले टॉप पे दिख रहे हैं टॉप पे। हाँ ये बारह पत्थर ट्रैकिंग पॉइंट है, बारह पत्थर ट्रैकिंग पॉइंट। तो ये रहा दोस्तों ठंडी गुफा। यहाँ पर कहते हैं इस गुफाओं में मतलब ठंडी ठंडी हवा आती है, अभी तो ऑलरेडी बहुत ठंड मौसम है। यहाँ पे एप्पल भुट्टा वगैरह भी खाने को मिल जाता है। भाई घूमते घूमते थक चुके हैं भाई बहुत ज़्यादा, मतलब शाम हो रही है। अभी हम पहुंचे हैं नैना देवी टेम्पल, तो आपको दिखाने वाले हैं नैना देवी टेम्पल, क्योंकि ये बहुत ही चक्का जाम लगा हुआ है। सामने है नैना देवी टेम्पल और ये चलते हैं अभी हम नैना देवी टेम्पल को दिखाते हैं, और उसके बाद ये सफ़ेद वाली बिल्डिंग के पास कोई सोनम मोमोज वाले हैं, हमें पता चला है बहुत ही सुंदर मोमोज बनाते हैं, बहुत अच्छा बहुत फेमस है। और ये फिर यहाँ से आप एक व्यू देख सकते हैं। और ये नैना देवी के जस्ट बगल में ही गुरुद्वारा भी है, और ये नैना देवी के पास मेला लगा हुआ है, और यहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं विंटर्स की। इस टाइम तो ठंडी आने वाली है और ठंडी हो भी गई है इधर, तो विंटर्स के लिए आ सकते हैं इधर शॉपिंग के लिए। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत आइटम लगे हुए हैं। और दोस्तों फाइनली हम पहुंच आए माँ नैना देवी, जहाँ पे अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सब बैन है। तो हम चल रहे हैं अंदर दर्शन करने, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं, कल जाएंगे। मित्रों जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि गेट पर ही साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करना मना है, और मंदिर परिसर के अंदर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। पर हमने पूरी कोशिश की चोरी से ही पर आप लोगों को दिखाने की, यहाँ पे हमने वीडियो शूट करी है। और आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसा 51 शक्तिपीठों में ये भी एक शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि माता जी के नयन यहाँ पर गिरे थे, इस वजह से इस मंदिर का नाम नैना देवी पड़ा है। तो हमने कोशिश करी है भाई, आप लोग प्यार करिए, सपोर्ट करिए हमें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा नैनीताल आप लोगों को दिखा पाएँ जो चीज़ें हमसे हो पाएंगी। अब जहाँ पर फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, वहाँ ही
ऐसा हो सकता है कि हम ना दिखा पाएं आपको। बाकी आपको घूमने के सारे पॉइंट, आपको दर्शन करने के सारे पॉइंट हम ईज़िली दिखाएंगे और आप आसानी से हमारी वीडियो के माध्यम से आप आराम से पूरा नैनीताल घूम सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रभु के दर्शन करते हुए मंदिर का नज़ारा और बढ़ते हैं आगे की ओर। थैंक यू। और यहाँ पर हमें भगवान के कई सारे अवतार देखने को मिल जाते हैं और ये करते हुए हम निकलते हैं आगे की ओर। और मैं तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप किसी भी मंदिर में जाइए तो थोड़ी देर वहाँ बैठ के आराम से फिर मज़ा आता है। और हम निकल आए बाहर की ओर, और बाहर की ओर आके देखा हमने बाहर का नज़ारा। और जैसा कि हमने तारों का शहर मतलब इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज को तारों का शहर कहा जाता है, पर मैंने देखा ये नैना देवी के सामने से ये नज़ारा, भाई साहब मज़ा आ गया। मतलब देख के क्या लग रहा था, बिल्कुल तारों का शहर ये भी है और खूबसूरत तो है ही। तो भाई अब हमें लग चुकी है भूख, अब हम जाएंगे खाने की ओर कुछ। और ये दोस्तों अब हम यहाँ से निकलेंगे मॉल रोड की ओर, क्योंकि हमने रूम वहीं पे ले रखा है मॉल रोड की तरफ। तो हम बढ़ते हैं मॉल रोड की तरफ, और जैसे ही आप नैना देवी से मॉल रोड की तरफ बढ़ेंगे आपको बहुत ही प्यारी मार्केट मिल जाएगी कपड़े की, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, कपड़े, झुमके, स्वेटर, ये बहुत दुनिया भर की चीज़ें मिल रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और भाई ये बंदा दिखा मैंने डांस करते हुए, बिल्कुल ये है 100 रुपये वाली मार्केट, और ये 100 रुपये चिल्ला रहा है, तो ये अपने कस्टमर को जाने नहीं देगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करके रखा है इस बंदे ने। डांस करते हुए बढ़िया आवाज़ दे रहा है, आ जाओ 100 रुपये। और भाई ये हमारा रहा रात का डिनर। क्या तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच आए अपने रूम पे एक बार फिर से, और ये देखिए हमारे सामने का नज़ारा, ये है नाइट व्यू। अब इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा आराम, और ये हमारे विशाल भाई कर रहे हैं वीडियोग्राफी, नाइट वीडियो शूट। तो हम लोग पहुँचाए रूम, अब हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, रेस्ट के बाद फिर सोएंगे, रात में निकलेंगे नहीं कहीं, सुबह का देखते हैं क्या प्लान है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट। और दोस्तों हमें चाहिए एक सुबह ऐसी। वाह भाई।